अभी टाइम आ चुका है अपनी KTM Duke 390 नई जनरेशन, नई KTM Duke 390 इसका पूरा परफॉर्मेंस टेस्ट करने का, कितनी टॉप स्पीड है, कौन से गियर में कितने की स्पीड पर जाती है, 0-60, 0-100, 0-120, 0-50 जाने में कितना टाइम लगता है बाइक, और कौन से गियर की क्या मिनिमम स्पीड है, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको, सब कुछ दिखाऊंगा यार मैं आपको। आपका भाई हूँ यार, वीर जी हूँ आपका, वीर जी का मतलब भाई होता है पता है आपको, तो थोड़ा सा भरोसा रखा करो अपने बाइक पे, टाइम टाइम पे हर चीज़ मिल जाती है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी। तो सबसे पहले तो इसका मोड चेंज करते हैं, हम करते हैं इसको राइड मोड में जाने के बाद ट्रैक मोड में, और ट्रैक मोड के अंदर हम करते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ, ठीक है, तो ये ऑफ हो गया, ओ सॉरी ऑफ हुआ नहीं वो, हाँ अभी वो ऑफ हो गया, उस बटन को दबा के रखना पड़ता है। लॉन्च कंट्रोल को भी हम कर देते हैं ऑफ, ये ऑफ ही है, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत नहीं है, हमें मैनुअली टेस्ट करना है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स पे भरोसा नहीं करते हम, मतलब भरोसा तो करना चाहिए, भरोसा तो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छी चीज़ें सेफ होते हैं, बट परफॉर्मेंस टेस्ट, फुल पोटेंशियल, फुल पावर देखनी है ना, तो उसको ऑफ करना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। बट आप नई नई बाइक ले रहे हो तो आप ऑन रखना है उसको, आपकी सेफ्टी के लिए। तो अभी फर्स्ट गियर में बाइक, फर्स्ट गियर की टॉप स्पीड देखते हैं, पहले तो सारे गियर की मिनिमम स्पीड देखते हैं, फर्स्ट गियर में मिनिमम स्पीड क्या है बाइक की। तो मैंने एक्सलेटर पूरा छोड़ दिया, मैं एक्सलेटर नहीं दूंगा मिनिमम स्पीड के अंदर, तो 10 की स्पीड पे चलती है फर्स्ट गियर में। सेकंड गियर में बाइक चलती है 14 की स्पीड पे, 14, और थर्ड गियर में बाइक चलती है 16-17 और मस्त चल रही है। फोर्थ गियर में थोड़ी सी नोकिंग साउंड आई इंजन से, फोर्थ गियर में चलने लग गई है 23, फिफ्थ गियर में नहीं चल पाएगी अपने आप। तो अभी देखते हैं कौन से गियर की क्या मैक्सिमम है, फोर्थ गियर तक ही ठीक है मिनिमम स्पीड, तो क्योंकि इससे ऊपर फिर अपने आप नहीं चल पाएगी, एक्सलेटर देना पड़ेगा ना, क्या फ़ायदा देखने का, मैक्सिमम स्पीड देखते हैं। 56 फर्स्ट गियर में, सेकेंड गियर में 82, थर्ड गियर में 107, वाह मज़ा आ गया भाई, फोर्थ गियर में 131, फिफ्थ गियर में 156, 156 फिफ्थ गियर में, भाई गजब यार क्या पावर है भाई, 390 की पावर तो देखो कहनी पड़ेगी, पहले से काफ़ी इंप्रूव भी हो चुकी है अब तो इसकी पावर, और अभी देखते हैं और 0-60, 0-100, 0-120 जाने में बाइक को कितना टाइम लगता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं अभी स्लोप में, अगर अभी 0-100 देखेंगे तो चीटिंग हो जाएगी, जल्दी चली जाएगी ये, जितने में जाना चाहिए ना उससे भी जल्दी चली जाएगी, स्लोप में है रोड, नीचे की साइड जा रहा है, तो फ्लैट रोड आने के बाद हम चेक करेंगे, थोड़ा वेट करते हैं फ्लैट रोड का। बाकी नो डाउट यार भाई, जैसे पुल करती है ना बाइक, खतरनाक मज़ा आ जाता है यार, हो यार पहाड़ी एरिया में ना ये दिक्कत है, अभी वो रोड दोबारा ऊपर चढ़ रहा है, अब वो दोबारा नीचे आएगा, कितना वेट करूं, मुझसे वेट नहीं हो रहा, सबर नहीं हो रहा, बट करना पड़ेगा वेट तो हमें भाई, अच्छा टेस्ट करना है, अच्छी रिजल्ट देखनी है और सब कुछ करेक्ट देखना है, तो वेट तो करना पड़ेगा, चीटिंग नहीं करते यार हम, तो थोड़ा सा आगे निकल लेते हैं फिर जब भी चेक करेंगे हम। अभी यहाँ पर फ्लैट रोड आ गया भाई, यहाँ पर रोड आ चुका है बिल्कुल फ्लैट, ट्रैफिक को जाने देते हैं आगे, और अभी चेक करेंगे अपने ड्यूक 390 के 0-60, 0-100 और 0-120, वो ट्रैफिक आगे निकल जाए, आगे सामने ट्रैफिक है शायद आपको कैमरे में समझ नहीं आ रहा, बट रियल लाइफ में काफ़ी ट्रैफिक आगे, कोई बात नहीं ऐसा करते हैं, अभी हम 0-100, 0-120, 0-60 ये देखते हैं, फिर उसके बाद आगे अपन टॉप स्पीड चेक करेंगे, ये 0-120 तक तो अपन देख ही सकते हैं यहाँ पे ना, तो चलो। आपने देखा, एक बार वो ट्राई करूंगा, क्या पता अगला अटैम्प और अच्छा जाए, वो तो अटैम्प पे बात डिपेंड करता है ना, क्या पता अगले अटैम्प में और अच्छा चला जाए, और अच्छा रिजल्ट आए हमें अगले अटैम्प का। मेरे हेलमेट में यार कोई मच्छर घुस गया, अभी यहाँ से अपना पूरा अटैम्प कंप्लीट होगा, यहाँ से हम चेक करेंगे टॉप स्पीड क्या होगी, आगे जाके रोड थोड़ा सही हो जाएगा, अच्छा फ्लैट रोड आएगा स्ट्रेट, तो टॉप स्पीड हो जाएगी 0-60, 0-100, 0-120, अपन एक बार और देख लेते हैं
कितने में जाती है बाइक? अभी आपने देख लिया, आप टॉप स्पीड देखते हैं। जीरो टू 150 भी मैंने मेंशन कर दिया होगा, 150 तक कोई दिक्कत नहीं आई थी, कहीं पे बाइक स्लो नहीं करनी पड़ी, अभी स्लो करनी पड़ गई थी। भाई अभी 165 तक गई है बाइक, इससे ऊपर ले जाने के लिए तो आई थिंक रोड नहीं है इतने बढ़िया, बट एक बार और मैं ट्राई करके देख लेता हूँ इससे ऊपर जाएगी तो। भाई अभी मुझे नहीं पता, शायद 165 ही गई है अभी भी। वो है ना कि यार ये रोड ऐसे हैं कि एक टाइम पे जाके कर्व आ जाता है या फिर पहाड़ी एरिया आ जाता है तो, बट ये इतना मैं कंफर्म हूँ कि 165 से भी ऊपर ये बाइक जाएगी, कंफर्म जाएगी, और इसके लिए कोई डाउट मत रखना। टॉप एंड बाइक का पहले से काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी नहीं तो थोड़ा बहुत तो बढ़ ही गया। मैंने आज से लगभग 3 दिन पहले ही ड्यूक 390 चलाई थी BS6, उसका मैं मतलब कंपैरिजन बना दूंगा, परफॉर्मेंस कंपैरिजन अगर आपको चाहिए ना, हर एक चीज़ में टेस्ट करके दिखा दूंगा, पुरानी वाली और नई वाली का पूरा परफॉर्मेंस टेस्ट मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा, कंपेयर करके दिखाऊंगा कौन सी बाइक कितने स्पीड तक, कितने सेकंड में जाती है, क्या टॉप स्पीड है, सब कुछ, कौन से गियर में क्या स्पीड, सब कुछ कंपेयर करके दिखाऊंगा मैं आपको लाइव टेस्ट करके आपके सामने। अभी मैं भी और ज़्यादा भगा नहीं पाऊंगा क्योंकि बार बार ट्रैफिक आ जा रहा है ना, समझो ना बात को, तो फिर अगर खाली रोड होता तो मैं आपके लिए ज़रूर करता, आप इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए देख रहे हो ना कि आपके लिए रिस्क है, बट रिस्क मेरे लिए है, तो समझना अपने भाई की फीलिंग समझना। तो मैंने अपनी सेट जितना अच्छा करने की कोशिश करी उतना किया। अभी सेंटर पास निकलने के बाद फिर सिटी आ जाएगी, मैं आगे काफ़ी आगे तक गया था, बस मुझे यही स्ट्रेस खाली मिला, बाकी कहीं पे कोई स्ट्रेस खाली मिला नहीं रोड का। तो खैर इस वीडियो को कुछ इतना ही रखते हैं। भाई क्या लग रही है अपनी 390 नई वाली? भाई ये कलर सच बता रहा हूँ बहुत प्यार हो गया इस कलर से, बहुत ही गजब लग रहा है। सही बताऊँ ना, इसमें थोड़ा ऑरेंज के अलावा थोड़ा सा वाइट टच और देती ना कंपनी, तो आई थिंक ये कलर और ज़्यादा सुंदर लगता देखने में। कार अपनी तो नहीं गई ना, अपनी नहीं है, बट ये भी मस्त लग रहा है भाई, तगड़ा खतरनाक। मैं तो बोलता हूँ 390 अगर कोई कलर लेना हो ना, ये कलर ज़्यादा सूट करता है, मैंने लाइट दोनों कलर को देखा है, बट वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको ऑरेंज वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो, बट मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं आपको अपना सजेशन बता रहा हूँ, अपना ओपिनियन बता रहा हूँ मैं आपको, बट इसका डिटेल रिव्यू मैं लेके आऊँगा तो आप शायद आ चुका होगा या फिर आप देख लिया होगा आपने जैसा भी है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए नए एफर्ट्स डालता हूँ आप लोगों के लिए, तो इतने एफर्ट्स के लिए यार एक लाइक, एक कमेंट और एक प्यारा सा सब्सक्राइब तो बनता है भाई के लिए ना। तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान करो ना, मस्त रहो और खुश रहो भाई।